नमस्कार साथियों, मैं हूं पीसी वर्मा और आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस के रिजल्ट के संबंध में। तो एक बहुत अच्छी खबर है, आईपीबीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आने वाला है और इसकी पूरी जानकारी हम अभी आपको देंगे कि कब आएगा, कहां आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप रिजल्ट को देख सकते हैं। तो आईबीपीएस जो होता है एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है, प्रोफेशनल ऑफिसर्स के लिए भर्ती की जाती है और इसका रिजल्ट 8 दिसंबर 2018 को आएगा, ऐसी जानकारी हमें मिली है और ये बहुत पुख्ता जानकारी है। तो ज़रूर 8 दिसंबर 2018 को जानकारी चेक करें और इस रिजल्ट के आने के बाद मेंस का जो इंटरव्यू है वो होगा जनवरी फरवरी 2019 में और इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जनवरी 2019 में। तो ये जो परीक्षा है इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं http://ibps.in पर, इस साइट पर आप रिजल्ट देख पाएंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शंस। तो सिलेक्शन जो होगा इसके लिए अलग अलग पैमाने बनाए गए हैं जिसके आधार पर, जो पेपर आपने सॉल्व किया था उसके आधार पर रिजल्ट आएगा और इसके तहत भर्ती होगी लगभग, जो इस परीक्षा के तहत लगभग 3,562 लोगों की भर्ती होने जा रही है। एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद होंगे जिसमें जो वेतनमान है वो 37,360 से लेकर 38,700 इन हैंड आएगा और एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठित परीक्षा है। 3,562 लोगों के लिए भर्ती है, प्रोफेशनल ऑफिसर्स की पदों की इसमें नियुक्ति की जाएगी। तो इसके लिए आप जो हमने साइट बताया था ibps.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके मोबाइल पर या कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन जहां पर है वहां से आप देख सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम हुए थे ये 13, 14, 20 और 21 को हुए थे और इसी का रिजल्ट आने वाला है, जो प्रीलिम परीक्षा हुआ था उसका है ये और उसी का रिजल्ट आने वाला है। मेंस एग्ज़ाम हुआ था और इनको कॉल किया गया, क्वालिफाइड जो मेंस में हैं उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ज़रूर अपना रिजल्ट देख लीजिए जो हमने साइट बताई है ibps.in पर। और 8 दिसंबर ये तारीख आप बिल्कुल मत भूलिए साथियों, क्योंकि आपका रिजल्ट आने वाला है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके रिजल्ट के लिए। तो आपको इसमें अपना रिजल्ट देखने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रखना होगा और डेट ऑफ बर्थ रखना होगा, उसके बाद उसको एंटर करेंगे साइट पर और आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए 8 दिसंबर को आपकी रिजल्ट आने वाले हैं और जो इंटरव्यू में सफल होंगे उनकी भर्ती की जाएगी 3,562 पदों पर। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों एडवांस में कि आपका रिजल्ट आने वाला है। इसके साथ साथ आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को भी लाइक अवश्य करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इसी प्रकार आपकी जानकारी से जुड़ी चीज़ें लाते हैं, आपके काम की खबरें लाते हैं, तो हमसे जुड़े रहिए। तो आज इतना ही साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।